सर पे मुकुट सजे मुख पे उजाला। सुनो सुनो भक्त जनों, स्थान ग्राम चौपरिया में विशाल महायज्ञ होने जा रहा है। जी हाँ, हमारे भक्त जनों, आपके क्षेत्र में, आपके नगर में श्री विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है। दिनांक 16 नवंबर से 22 नवंबर तक ग्राम चौपरिया में होने जा रहा है। हाथ धनुष गले में पुष्प माला। 22 नवंबर को विशाल भंडारा होगा। सभी भक्त जनों से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सभी भक्त जनों से अनुरोध है कि तन मन धन से सहयोग करें, विशाल भंडारा में प्रसाद ग्रहण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जी हाँ भक्त जनों, इस यज्ञ में बड़े बड़े संत विद्वान पधार रहे हैं। श्री श्री 1008 श्री सुरेशानंद सरस्वती जी महाराज हरिद्वार से पधार रहे हैं। कथा सम्राट श्री सुरेश चंद्र अवर्थी नैमिष धाम से पधार रहे हैं। ये सब के स्वामी अन्य विद्वानों का भी आगमन होगा। सुबोध अवस्थी बनारस से पधार रहे हैं। राजन त्रिवेदी जी नैमिष धाम से पधार रहे हैं। अन्य काफी विद्वान उपस्थित होंगे। जी हाँ भक्त जनों, 16 नवंबर को कलश यात्रा में जरूर आए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अनजान हम ये अंतर्यामी। शुभ रात्रि में वृंदावन के कलाकारों के द्वारा सुंदर झांकी दिखाई जाएगी। 16 नवंबर को प्रातः 10 बजे जिन माताओं और बहनों को कलश भरना है, वह अपना कलश जरूर प्राप्त करें। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ। सुनो सुनो भक्त जनों, स्थान ग्राम चौपरिया में विशाल महायज्ञ होने जा रहा है। जी हाँ, हमारे भक्त जनों, आपके क्षेत्र में, आपके नगर में श्री विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है। दिनांक 16 नवंबर से 22 नवंबर तक ग्राम चौपरिया में होने जा रहा है। बोलो जय विष्णु के अवतारी। 22 नवंबर को विशाल भंडारा होगा। सभी भक्त जनों से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सभी भक्त जनों से अनुरोध है कि तन मन धन से सहयोग करें, विशाल भंडारा में प्रसाद ग्रहण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। राम जी की निकली सवारी। जी हाँ भक्त जनों, इस यज्ञ में बड़े बड़े संत विद्वान पधार रहे हैं। श्री श्री 1008 श्री सुरेशानंद सरस्वती जी महाराज हरिद्वार से पधार रहे हैं। कथा सम्राट श्री सुरेश चंद्र अवर्थी नैमिष धाम से पधार रहे हैं। राम जी की लीला है न्यारी। अन्य विद्वानों का भी आगमन होगा। सुबोध अवस्थी बनारस से पधार रहे हैं। राजन त्रिवेदी जी नैमिष धाम से पधार रहे हैं। अन्य काफी विद्वान उपस्थित होंगे। जी हाँ भक्त जनों, 16 नवंबर को कलश यात्रा में जरूर आए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। शुभ रात्रि में वृंदावन के कलाकारों के द्वारा सुंदर झांकी दिखाई जाएगी। 16 नवंबर को प्रातः 10 बजे जिन माताओं और बहनों को कलश भरना है, वह अपना कलश जरूर प्राप्त करें। सुनो सुनो भक्त जनों, स्थान ग्राम चौपरिया में विशाल महायज्ञ होने जा रहा है। जी हाँ, हमारे भक्त जनों, आपके क्षेत्र में, आपके नगर में श्री विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है। दिनांक 16 नवंबर से 22 नवंबर तक ग्राम चौपरिया में होने जा रहा है। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता। 22 नवंबर को विशाल भंडारा होगा। सभी भक्त जनों से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सभी भक्त जनों से अनुरोध है कि तन मन धन से सहयोग करें, विशाल भंडारा में प्रसाद ग्रहण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बीच में जगत के पालनहारी। जी हाँ भक्त जनों, इस यज्ञ में बड़े बड़े संत विद्वान पधार रहे हैं। श्री श्री 1008 श्री सुरेशानंद सरस्वती जी महाराज हरिद्वार से पधार रहे हैं। कथा सम्राट श्री सुरेश चंद्र अवर्थी नैमिष धाम से पधार रहे हैं। राम जी की निकली सवारी। अन्य विद्वानों का भी आगमन होगा। सुबोध अवस्थी बनारस से पधार रहे हैं। राजन त्रिवेदी जी नैमिष धाम से पधार रहे हैं। अन्य काफी विद्वान उपस्थित होंगे। जी हाँ भक्त जनों, 16 नवंबर को कलश यात्रा में जरूर आए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। शुभ रात्रि में वृंदावन के कलाकारों के द्वारा सुंदर झांकी दिखाई जाएगी। 16 नवंबर को प्रातः 10 बजे जिन माताओं और बहनों को कलश भरना है, वह अपना कलश जरूर प्राप्त करें। धीरे चला रथ ओ रथ वाले। सुनो सुनो भक्त जनों, स्थान ग्राम चौपरिया में विशाल महायज्ञ होने जा रहा है। जी हाँ, हमारे भक्त जनों, आपके क्षेत्र में, आपके नगर में श्री विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है।
दिनांक 16 नवंबर से 22 नवंबर तक ग्राम चौपरिया में होने जा रहा है। 22 नवंबर को विशाल भंडारा होगा। सभी भक्तजनों से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने जीवन को धन्य बनाए। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि तन मन धन से सहयोग करें, विशाल भंडारा में प्रसाद ग्रहण करें, अपने जीवन को धन्य बनाए। जी हाँ भक्तजनों, इस यज्ञ में बड़े बड़े संत विद्वान पधार रहे हैं। श्री श्री 1008 श्री सुरेशानंद सरस्वती जी महाराज हरिद्वार से पधार रहे हैं। कथा सम्राट श्री सुरेश चंद्र अवर्थी नैमिष धाम से पधार रहे हैं। एक बार देखे जीना भरेगा। अन्य विद्वानों का भी आगमन होगा। सुबोध अवस्थी बनारस से पधार रहे हैं। राजन त्रिवेदी जी नैमिष धाम से पधार रहे हैं। अन्य काफी विद्वान उपस्थित होंगे। जी हाँ भक्तजनों, 16 नवंबर को कलश यात्रा में जरूर आए और अपने जीवन को धन्य बनाए। 100 बार देखो फिर जी करेगा। शुभ रात्रि में वृंदावन के कलाकारों के द्वारा सुंदर झांकी दिखाई जाएगी। 16 नवंबर को प्रातः 10 बजे जिन माताओं और बहनों को कलश भरना है, वह अपना कलश जरूर प्राप्त करें। व्याकुल पड़े हैं, कब से खड़े हैं। सुनो सुनो भक्त जनों, स्थान ग्राम चौपरिया में विशाल महायज्ञ होने जा रहा है। जी हाँ, हमारे भक्त जनों, आपके क्षेत्र में, आपके नगर में श्री विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है। दिनांक 16 नवंबर से 22 नवंबर तक ग्राम चौपरिया में होने जा रहा है। 22 नवंबर को विशाल भंडारा होगा। सभी भक्तजनों से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने जीवन को धन्य बनाए। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि तन मन धन से सहयोग करें, विशाल भंडारा में प्रसाद ग्रहण करें, अपने जीवन को धन्य बनाए। दर्शन के प्यासे सब नर नारी। जी हाँ भक्तजनों, इस यज्ञ में बड़े बड़े संत विद्वान पधार रहे हैं। श्री श्री 1008 श्री सुरेशानंद सरस्वती जी महाराज हरिद्वार से पधार रहे हैं। कथा सम्राट श्री सुरेश चंद्र अवर्थी नैमिष धाम से पधार रहे हैं। राम जी की निकली सवारी। अन्य विद्वानों का भी आगमन होगा। सुबोध अवस्थी बनारस से पधार रहे हैं। राजन त्रिवेदी जी नैमिष धाम से पधार रहे हैं। अन्य काफी विद्वान उपस्थित होंगे। जी हाँ भक्तजनों, 16 नवंबर को कलश यात्रा में जरूर आए और अपने जीवन को धन्य बनाए। राम जी की लीला है न्यारे न्यारे। शुभ रात्रि में वृंदावन के कलाकारों के द्वारा सुंदर झांकी दिखाई जाएगी। 16 नवंबर को प्रातः 10 बजे जिन माताओं और बहनों को कलश भरना है, वह अपना कलश जरूर प्राप्त करें। सुनो सुनो भक्त जनों, स्थान ग्राम चौपरिया में विशाल महायज्ञ होने जा रहा है। जी हाँ, हमारे भक्त जनों, आपके क्षेत्र में, आपके नगर में श्री विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है। दिनांक 16 नवंबर से 22 नवंबर तक ग्राम चौपरिया में होने जा रहा है। 14 बरस का वनवास पाया। 22 नवंबर को विशाल भंडारा होगा। सभी भक्तजनों से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने जीवन को धन्य बनाए। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि तन मन धन से सहयोग करें, विशाल भंडारा में प्रसाद ग्रहण करें, अपने जीवन को धन्य बनाए। माता पिता का वचन निभाया। जी हाँ भक्त जनों, इस यज्ञ में बड़े बड़े संत विद्वान पधार रहे हैं। श्री श्री 1008 श्री सुरेशानंद सरस्वती जी महाराज हरिद्वार से पधार रहे हैं। कथा सम्राट श्री सुरेश चंद्र अवर्थी नैमिष धाम से पधार रहे हैं। धोखे से हर ली रावण सीता। अन्य विद्वानों का भी आगमन होगा। सुबोध अवस्थी बनारस से पधार रहे हैं। राजन त्रिवेदी जी नैमिष धाम से पधार रहे हैं। अन्य काफी विद्वान उपस्थित होंगे। जी हाँ भक्तजनों, 16 नवंबर को कलश यात्रा में जरूर आए और अपने जीवन को धन्य बनाए। रावण को मारा, लंका को जीता। शुभ रात्रि में वृंदावन के कलाकारों के द्वारा सुंदर झांकी दिखाई जाएगी। 16 नवंबर को प्रातः 10 बजे जिन माताओं और बहनों को कलश भरना है, वह अपना कलश जरूर प्राप्त करें। कब कब ये आए, तब तब ये आए। सुनो सुनो भक्त जनों, स्थान ग्राम चौपरिया में विशाल महायज्ञ होने जा रहा है। जी हाँ, हमारे भक्त जनों, आपके क्षेत्र में, आपके नगर में श्री विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है। दिनांक 16 नवंबर से 22 नवंबर तक ग्राम चौपरिया में होने जा रहा है। जब जब ये दुनिया इनको पुकारी। 22 नवंबर को विशाल भंडारा होगा। सभी भक्तजनों से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने जीवन को धन्य बनाए। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि तन मन धन से सहयोग करें,
करें, विशाल भंडारा में प्रसाद ग्रहण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। राम जी की निकली सवारी। जी हाँ भक्त जनों, इस यज्ञ में बड़े बड़े संत विद्वान पधार रहे हैं। श्री श्री 1008 श्री सुरेशानंद सरस्वती जी महाराज हरिद्वार से पधार रहे हैं। कथा सम्राट श्री सुरेश चंद्र अवर्थी नैमिष धाम से पधार रहे हैं। राम जी की लीला है न्यारे। अन्य विद्वानों का भी आगमन होगा। सुबोध अवस्थी बनारस से पधार रहे हैं। राजन त्रिवेदी जी नैमिष धाम से पधार रहे हैं। अन्य काफी विद्वान उपस्थित होंगे। जी हाँ भक्त जनों, 16 नवंबर को कलश यात्रा में जरूर आए और अपने जीवन को धन्य बनाए। शुभ रात्रि में वृंदावन के कलाकारों के द्वारा सुंदर झांकी दिखाई जाएगी। 16 नवंबर को प्रातः 10 बजे जिन माताओं और बहनों को कलश भरना है, वह अपना कलश जरूर प्राप्त करें।